गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड ब्लॉगिंग विथ मा श्वेता। चलतु आज गोटे बहुत बढ़िया वाला रेसीपी बनवा। रेसीपीटा हूँ आज मटन करी बनवा, टी अलग स्टाइल में दही दे कि। तो ये बहुत सारा मसला नहीं है, देखिपारे पिज रसुण अदा कटा गरम मसला जीरा लंका यू तो काटिकी जो पिज को रखी थी धोई धोया कि जो मटन रखी से एड करदे पिज अदा आ रसुण को ताको मुझे ग्राइंडिंग करके पेस्ट बन आई पेस्ट को भी मुझे एड करदे। आप चाहिए हल्का टिके लेंबू रस टिके देदेवे, टिके मात्रा रे हलदी लुण लंका गुंड आए सोरस तेल ये सब को देखिए आपको भल भाव गोल के मैरिनेट कर दिंतु। आपको 15-20 मिनिट पर्यंत एमतीका छाड़ दिंतु। एथिरे मु टिके दही ऐड कर दोचे, दहीटा कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपन चाहिले यूज मध्य करिवे नले आपन स्किप मध्य करिवे, आपन को जेमती पसंद आपन से हिसाब रे मध्य बनई परिवे। मु आज गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट करिया पई चाहिले तो सेथिमे मु आकु एथिरे दही मिसे दीची मटन रे, आ एबे आकु मु छाड़ देबी किस समय पई। तो ये देखिपे मुझे गैस चूल्हा उपर प्रेसर कुकर बसई नहीं मु सोरस तेल एड कर नहीं देखिपे कि कटा आलु अच्छी आपने भावुए मु कहीं सब ननभेज्रे आलु एड करे कहीं आम बारिपदिया लोक विदाउट आलु मटन चिकेन मछ कि हजम हेनी आलुटा कंपलसरी आलु नमर भात हजम हेनी। तो ये मुझे आलु को लाल लाल करके भाजने लगे लाल लाल करके आलुटा भाजने लगे भल लगे देखापी भी और खाया बहुत बढ़िया लगे। तो आलु मोर ये गला तो एबि आप देखिपे लाल लाल जो आलु गुड़ाक काढ़ी नौ एबे जो गरम जो तेल अच्छी से मुझे अल्प टिके चीनी पकईदेवी चीनी कलर हाँ स्टार्ट हो तो से मुझे तेजपत्र आखिला लंका पकेबी तेजपत्र पकड़े बासनाटा बहुत बढ़िया आसे आ मैरिनेट करके जो मटन को मुझे रखी थी से मटन को एड कर सबूतक मटन को भल भाव कषि 5-10 मिनिट पर्यंत जमीक यार जो से दही पाटा टी मर स्टार्ट हम ढंकईदेवी जिते मटनटा सीझे से टेस्ट भल आस आपते बारंबार खुशुणी कि चटुरी आपको कषे से आईसीय स्मेलटा बाहरी जा खायापी बहुत भल लगे। तो ये किस समय पर देखिए यहाँ आपण मैंने देखिपे तो मटनटा धीरे धीरे सीझा स्टार्ट आउ देखिपे के बढ़िया से धूआ बाहर आउ जो एत फुला फुला थी यहाँ कमीगला आउ टिके टिके लगवा स्टार्ट हो गला एबे आपको आउ टिके भल भाव कसिकी जो आलु को मुझे भाजिकी रखी थी से आलु को मुझे एड करने आती गरम पा देदेवी गरम पा आप सब मटन कि चिकेन जहाँ भी आप तरकारी बनाऊँगी गरम पा यूज करते गरम पा यूज करने द्वारा तरकार आरोमाटा बहुत ही बढ़िया आसता है बहुत भल लगे। तो फाइनाली एबे एथिरे मु गरम पानी को ऐड करने ली आउ एबे आकु आउ टिके भल भाव घांटी देबी जमीका मसलाटा मिक्स हो जीवो चारिआडे आउ एबे मु प्रेशर कुकर रे सीटी लगे देबी आपण आपण हिसाब से सीटी लगे जेहेतु मांस आउ टिके सिझिबार अछि तो सेतबे मु 3टा पाखाबाकी सीटी लगेबी। तो एटी देखि पाउते मोर एपटे वर्षा स्टार्ट हो गलानी बापरे कि वर्षा कोहंतुनी आउ एटी मोर मटन भी सीझी आसलानी कहीं सीटी भी बाजिगलानी आई पग देखु पग तो बहुत ही मस्त है पगरे मटन तरकारी को भात। तो ये आपने वेदर तो देखुं के जोर वर्षा हो चलत मुझे देखी छात उपर मो गुड़क अवस्था कौन होते वर्षा गच गुड़क पा जमिकी प्राय तो ये गच सब पची हो बहुत बाधुची नर्सरी रु गणिकी गच पचीगले तो बाधि बाधि ये सब गोलाप गच देखिपे के सुंदर कढ़ आसी जमी जा बर्षार। तो चलतु एवं आ डेरी न करी खाइबा बाड़ी नवा आई तो देखिपे मुझे प्रेसर कुकर ढाकुणा ए खोली पूरा रेड रेड हो चटुरी हाल्का टिके गरम मसला देखिए भल भाव मिसईदेवी आउ भलिया लाल लाल खासी मांस झोल क्या भल न लगे जहाँ को भल लगे निश्चय कमेंट सेक्शन में मत जनइबे। तो ये मुझे भात सहित तरकारी मुझे बाढ़ी नौ देखिपे तो चलते डेरी न करके खाई नबा। तो
आजर ये ब्लॉगटी को मुझे एंड करने जाऊँगी जदि मोर ये ब्लॉगटी निश्चय भल लगी तबे लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ शेयर करूँ आजपाई ये रोज नमस्कार पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।